পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল আজ মালদার কেষ্টপুর বিএসএফ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের উন্নয়নে সরকার সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি না করার আর্জি জানান তিনি। ये उनका डेली रूटीन प्रोग्राम है बीएसएफ का, उनका सिविक करके एक प्रोग्राम है, उसमें डेली उनसे इंटरप्ट था। सिक्योरिटी के बारे में भी उनको गाइडेंस दिया जाता है, कुछ उनकी समस्या है तो समस्या के बारे में भी बीएसएफ पॉलिसी उनकी चर्चा होती रहती है। डेली सिविलियंस यहाँ पे एक लिमिट तक आते हैं। ये बॉर्डर में रहने वाले जितने भी गाँव के लोग हैं वो सारे बीएसएफ कैंप में यहाँ पे डेली आते हैं। तो यहाँ पे कोई राजनीति करने का बीएसएफ कैंप में ये सवाल है ही नहीं, क्योंकि बीएडीपी जो प्रोग्राम है बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट फंड, तो उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा होती है कि कौन से गांव में क्या समस्या है। तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, होम मिनिस्ट्री से जो फंड आता है डीएम के पास, फिर वहाँ से क्या डेवलपमेंट करना है, गाँव वाले की क्या समस्या है, किसको प्रायोरिटी देनी है, इसके बारे में इनकी चर्चा होती रहती है। अभी रूलिंग पार्टी ये ऐसे बॉर्डर पे रहने वाले लोगों के लिए बीएसएफ काम कर रहे, उसको भी राजनीति से अगर जोड़ने का काम करते तो इसको क्या बोल सकते हैं।